दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको ये जो हमारा स्पेशल लेवल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का फूड सेफ्टी सुपरवाइजर प्रोग्राम है, इसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के हैजर्ड्स मिल्क प्रोडक्शन लेवल पे या जब तक मिल्क चिलिंग सेंटर पे आता है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले दूध जहाँ प्रोड्यूस होता है, जो फार्म है, उसमें सबसे बड़ा रिस्क जो होता है, इससे भी पहले कि जब वो दूध पैदा हो रहा है, जो पहला रिस्क होता है वो होता है एक केमिकल रिस्क। वो केमिकल रिस्क आ रहा है उस पानी और उस चारे की वजह से जो उस जानवर को दिया जा रहा है। इस पे हमारा सबसे कम कंट्रोल है और इसको ठीक करने के लिए हमारे को किसान के साथ सीधा संपर्क करना पड़ता है और बार बार हमारे को उसके यहाँ के पानी या चारे की टेस्टिंग करानी पड़ती है। इसके बाद जो हमारा दूसरा रिस्क शुरू होता है वो शुरू होता है जब उसका जानवर दूध देना शुरू करता है। दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मान लीजिए एक भारत के अंदर किसान दूध पैदा कर रहा है और उसका एक गंदे से गंदा फार्म मान लीजिए कहीं पर है, और उसी की जगह पर मान लीजिए कि बाहर डेवलप वर्ल्ड में, अमेरिका में या यूरोप में या डेनमार्क जैसे लोग बात करते रहते हैं, वहां का सबसे बढ़िया फार्म है। मान लीजिए इन दोनों जगह पर मैं आपसे ये पूछूं कि जब गाय दूध देती है और उसके अडर से दूध निकलता है तो दोनों में क्वालिटी के हिसाब से या माइक्रोबियल लोड के हिसाब से कितना फर्क होगा? तो काफी लोग कहते हैं 10 गुना, काफी लोग कहते हैं 100 गुना, काफी लोग कहते हैं 1000 गुना, लेकिन अगर सच देखा जाए तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं होगा। कारण यह है कि जब भी दूध पैदा होता है तो वो एक प्रकार से स्टरलाइज्ड होता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो दूध बाहर निकलता है तो बाहर की कंडीशंस में जो डेवलप वर्ल्ड है, वहाँ का मौसम, वहाँ की साफ सफाई, वहाँ की प्रैक्टिसेस उस दूध को श्रेष्ठ बनाती हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सबसे पहले जानवर, उसकी स्किन, अडर, हमारे हाथ जिससे हम दूध निकाल रहे हैं, वहाँ की हवा, ये सारी चीज़ें, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण हमारे यहाँ की ट्रॉपिकल कंडीशन है जिसके अंदर मौसम कुछ इस प्रकार का है कि बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ये उस दूध को खराब कर देते हैं। अभी साइड में जो प्रेजेंटेशन चल रही है उसमें आपको कुछ डेटा दिखेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल लोड आता है वो उस बर्तन से आता है जिस बर्तन में मैं दूध को डाल रहा हूँ। इसलिए फार्म लेवल पे जहाँ पे दूध फार्मर दूध निकाल रहा है और उसके बाद विलेज लेवल सेंटर पे ला रहा है, वहाँ पे उन बर्तनों की धुलाई और अगर हो सके तो गर्म पानी से उसकी धुलाई, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक गेम चेंजिंग इनिशिएटिव हो सकता है। तो आप एज फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, क्योंकि आप में से कुछ लोग मिल्क चिलिंग सेंटर या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से भी होंगे, आप इस बात को समझते हुए आगे अपने किसानों के साथ संपर्क साधें। और ये दूध, इसके अंदर कुछ फिजिकल हमारे हैजर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि घास, मिट्टी, इस तरीके की ऊपर से चीज़ें आती हैं, तो वो उसका भी आपको ध्यान रखना है और जितनी स्टेजेस पर हो सके आप उसको छानने की कोशिश कीजिए। और बाद में जब हम फाइनली इस दूध को, हमारा केमिकल हैजर्ड हो गया जैसे मैंने आपको बताया पीछे से ही आ रहा है, इसमें हमारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इस तरीके की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जानवर के साथ होती हैं जैसे कई लोग हार्मोन्स देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, ये भी एक किस्म का हैजर्ड है और इसके लिए भी फार्मर को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो हमारे इस प्रोग्राम में हम ये सारी चीज़ों का, जो फर्स्ट लेवल पे हमारा फार्मर पे मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या जानकारी दी जाए, इसके बारे में भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बताया जाता है। धन्यवाद।